ये देखो भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रखी है यार। बाकी यार हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं। चेक करो गाइस, ओ भाई आजा, मार दे पूरा टायर मार दे। ओ भाई ये चेक मारो। ओ भाई स्मेल आ रही है बस, बाकी तो ठीक है। इंडियन चीज तो नहीं हो गया? सो हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग एकदम से बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। तो गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट करें हम कुछ इस तरह की जगह से। तो गाइस सबसे पहले यार आज है संडे, आज हम जा रहे हैं संडे राइड पे। आज हमारे साथ बहुत सारे बंदे आए हुए हैं। ये देखो भाई ये बंदा आया है, इसने सोचा कि मोटो व्लॉगर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो इसने भी अपना पाउंड जो है मोटो व्लॉगिंग में घुसा दिया। मैं भी अपना मोटो व्लॉग, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छे तगड़े तगड़े हमने लाने हैं इस बार। इस साल तबाही मचानी है यार। बस तुम लोग यार सपोर्ट करो तो तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से अपने मोटो व्लॉग सेटअप है, बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। तो गाइस आज हमारी संडे राइड है, तो हमने सोचा था कि बहुत सारे बंदे आएंगे बट किसी कारण से ना वो बंदे आ नहीं पाए। अभी सिर्फ मैं और सजाद ही जा रहे हैं। हमने सोचा कि एक छोटी सी राइड करके आते हैं, क्योंकि व्लॉग तो आप लोगों के लिए बनाना ही बनाना है, चाहे तुम लोग वीडियो पे पैर बरसाओ या ना बरसाओ, बट वीडियो तो भाई रेगुलर से डालनी है। सो भाई यहाँ पे जो सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा बुरी है भाई। जब मैं पिछली बार आया था तब इतनी ख़राब सिचुएशन नहीं थी, बट आज तो भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है। ये देखो भाई मतलब कुछ भी नहीं बचा है यार। देखो भाई कितना पानी आ रहा है, पानी के साथ साथ मिट्टी भी नीचे उतर आ रही है। ये देखो भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन हो रखी है यार। बाकी यार हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं बट यहाँ से तो भाई पैदल जाना भी बहुत ज़्यादा भाई गाड़ी का तो भाई यहाँ पे नामुमकिन है। यहाँ पे हमारे चाचा बैठे हैं, चाचा बहुत ज्यादा परेशान यहाँ पे बैठे हुए हैं। चाचा आप इतना ज्यादा परेशान क्यों बैठे हो यहाँ पे? क्या करें, पसी चल रही है, मजबूर हो गया। चलने की कोई बात ही नहीं। आपको क्या लगता है इसमें गाड़ियाँ चल पाएंगी दोबारा? नहीं चल पाएंगे, अगर निमड़ हो गया ना ऐसा ही रहा तो पसी कहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगी। मगर ये रोड क्यों नहीं खुल रहा है? 2 महीने हो गए रोड क्यों नहीं खुल रहा है? रोड खुले नहीं सकते, मशीन फंस जाते हैं। मुझे लगता है आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा है ना। ये रोड क्यों नहीं खोल रहे हैं? पब्लिक यहाँ पे परेशान हो रही है ना। ये देखो हमारे चाचा कितने परेशान है यार, यहाँ पे बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि ये रोड कब खुलेगा, पर कोई खोल ही नहीं रहा इस रोड को, है ना चाचा? यहाँ पे फिर भी यार रोड की कंडीशन ना थोड़ी सी ठीक है, मतलब जितना खराब पीछे रोड है ना उतना खराब तो नहीं यहाँ पे। और हमारे पीछे देखो भाई ऐसा लग रहा है कि सजाद ने यहाँ पे टट्टी कर रखी है। यहाँ पे ना 90% जो काम है ना वो डन हो रखा है, बस 10% जो काम है ना वो बचा हुआ है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो भी हो जाएगा, उसके बाद ना जनरल पब्लिक के लिए ये रोड खुल जाएगा। तो गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से। अभी ना मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, मुझे लगा था कि भाई आज मौसम तो कम से कम ठीक रहेगा। ये देखो भाई, ओ भाई ओ भाई आराम से भाई यहाँ से तगड़ी ड्रैग रेस लगने वाली है। ये देखो भाई, ओ अभी छोटा है रे, आजा रेस करनी है दोबारा, आना भाई क्या हुआ अब, आजा रेस कर, तुझे क्या हुआ, आजा रेस करनी है, आना मेरे से, डर क्या क्या बे भाई यार क्या बोलो यार, यहाँ पे तगड़ी ड्रैग रेस लगी हुई थी। अब तो आ यार, अजब क्या कर रहा है अजब। ओ भाई यहाँ पे तगड़ी ड्रैग रेस लगी हुई है, अगर हमारे साथ 2-3 बाइकें और होती ना फिर तो भाई नेक्स्ट लेवल मजा आता यार। बट क्या करें भाई, हम जहाँ पे रहते हैं ना यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग का उतना क्रेज नहीं है। ये देखो गाइस इसकी बाइक में ढोल की आवाज आ रही है। ये देखो भाई, ओ भाई तेरे बाइक से ना ढोल की आवाज आ रही है, इतनी खड़खड़ क्यों कर रही है तेरी बाइक? ये गाइस कभी काम ही नहीं कराता यार इसका, इसके बाइक ना बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी है बेचारी। साल में ना इस बाइक का सिर्फ एक ही बार काम होता है और सर्विस भी ये बंदा बहुत ही कम करता है इसकी, इसलिए ना ये बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है इसे। फिर से रेस। आजा भाई, नहीं हो पाएगा भाई, 220 वाला बेचारा जितनी कोशिश करेगा RS को पीछे नहीं कर पाएगा भाई। लीन पे ना ये बंदा काफी पीछे रह जाता है क्योंकि इसकी हैंडल में ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, आई थिंक अलाइनमेंट इसकी आउट हो चुकी है, उसके कारण ना ये लीन पे बहुत आराम से चलता है। बट तुम्हारा भाई आराम से नहीं चलता यार, तुम्हारे भाई का सब कुछ ओके है और इस बाइक का ना भाई आज सत्यानाश करके रखा हमने। अभी इस पर एक बर्नआउट भी बनने वाला तकड़ा सा, क्योंकि इसका टायर भी चेंज होने वाला है,
तो हमने सोचा कि इसमें बर्नआउट मारते हैं और संडे राइड को थोड़ा और मजेदार बना लेते हैं। अगर हमारे साथ आज सारे बंदे आए होते ना तो आज ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला था। फाइनली गाइस अभी धूप जो है फिर से बाहर निकल चुकी है। मुझे तो लगा था भाई कि अभी बारिश यहाँ पे शुरू हो जाएगी, बट अल्लाह का शुक्र है कि मौसम थोड़ा बहुत साफ हो चुका है। अभी यहाँ पे अच्छी खासी धूप लगी हुई है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हो भाई, रोड में क्यों कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हैं? तो भाई लेजेंड है यार, ये बाइक लेजेंड है यार, लेजेंड की बेइज्जती करवा रहा है भाई। 220 जो है ना लेजेंड बाइक थी, तो इसका मतलब क्या ही बताऊं मैं, आप सब लोगों को बताइए। बट आज ना ये लेजेंड की बेइज्जती करवा के रखी है इसने। A few moments later. ठीक तो चल रही है यार, इसमें क्या इशू है? ठीक तो चल रही है, स्मेल आ रही है बस, बाकी तो ठीक है। ओहो इंजन सीज तो नहीं हो गया? ओवरहीट हुई है, हाँ ओवरहीट हुई, यस कोई सीन नहीं है। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं अपने व्यू पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे सजाद भाई की बाइक पे बर्नआउट मारेंगे एक तगड़ा सा। तो गाइस अभी यहाँ पे तगड़ा सा बर्नआउट बजने वाला। पहले तो सजाद मान ही नहीं रहा था, इसको लगा कि शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई, तो ये बंदा पहले मान ही नहीं रहा था। तो अभी मैंने इसको बड़ी मुश्किल से मनाया, मैंने कहा कोई सीन नहीं है, बस सिर्फ ओवर हीट हुई है, तो टेंशन मत ले, बर्नआउट मार ले। ओ भाई तगड़ा मार, क्या बर्नआउट बज रहा भाई, मार रहा क्या हुआ? ओहो भाई, ओ भाई चेक करो भाई, ओ भाई ओ हो 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 भाई, ओ भाई स्मेल आ रही है, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये चेक करो भाई, ओ हो पूरा टायर फटाना है, फाड़ दे पूरा टायर फाड़ दे, ओ भाई ये चेक मारो, ओ भाई नेक्स्ट लेवल हो रहा है भाई, टायर फाड़ दे ओपी ओपी, फाड़ा नहीं तूने यार, ये पूरा फाड़ रहा था। ये देखो भाई अभी थोड़ा सा फर्क रह गया यार, अभी ये बड़ा था यार। ओ भाई बस अब कुछ नहीं बचा इसमें, इसमें कुछ नहीं बचा है अब, सर थोड़ा काफी है। तो गाइस अभी यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है, फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो को मैं कुछ भी पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अच्छे से कर देना। तो मिलता है फिर अगले एक और प्यारी सी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।